हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और ये देखिए, और इनके जाने के बाद जो है ना, मैं आज ये भी मतलब वीडियो डालूँगी। और मतलब मन ही नहीं कर रहा था, ये नहीं है ना तो कुछ भी ऐसे मन नहीं कर रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये हम लोगों को अकेले कहीं छोड़ के गए हैं। इतने दिनों के लिए ट्रेनिंग था तो गए हैं, नहीं तो मैं ही जैसे बनारस चली जाती हूँ। ये तो कभी ऐसे नहीं जाते, मतलब ज़्यादा दिनों के लिए मैं जाती हूँ तो वहाँ पे सब लोग हैं तो अच्छा लगता है। और यहाँ खाली खाली था, तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ आलू और दही की सब्ज़ी। तो मैंने सरसों का तेल डाला और तेल में जो है तेज पत्ता, लाल मिर्च और जीरा का तड़का दिया, हींग डाला, और उसके बाद प्याज भुना। और उसके बाद ये जो रेगुलर मसाले होते हैं ना, धनिया, जीरा पाउडर या जो भी आप सब्जी मसाला डालते हो, हल्दी, लाल मिर्च, वो डाल के मैंने यहाँ पे भून लिया। और ये आलू उबाल के मैं पहले से ही रखी थी, तो आलू को ज़्यादा मत उबालिए। ये थोड़ा सा मतलब देख रहे हैं आप ठीक लग रहा है तो ऐसे ही मैं उबालूंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा भुनेगा फिर पकेगा तब तक हो जाता है, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं आलूओं को उबालना चाहिए, फिर घुल जाता है वो। तो यहाँ पे मैं फिर दही भी फेंट के रख लूँगी अलग से। और आजकल क्या हो रहा है कि या तो पनीर बनाओ या दही बनाओ, हरी सब्जी बच्चे लोग खाने का नाम ही नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ट्राई तो करती हूँ बनाने के लिए। और देखिए यहाँ पे आधी कटोरी दही मैंने पहले से ले रखा था, और दही डालते कलर देखिए कितना प्यारा आ गया। और एक और बात, दही डालने के बाद तुरंत आपको चलाना चाहिए, नहीं तो फिर दही आपकी फट जाएगी। तो चलाने के बाद जो है मैं इसमें पानी डाल दी हूँ थोड़ा सा देर चलाने के बाद जो है, और उसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली हूँ। और जब इसमें उबाल आ जाएगा तब इसमें हम नमक डाल देंगे, तो उसके बाद इसको थोड़ी देर पकाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा पानी उबल गया है, और जैसे कढ़ी में आप डालते हैं ना तो वैसे। और देखिए मेरी सब्ज़ी बन गई, और मुझे थोड़ा चावल भी बनाना था तो मैं उसी हिसाब से रखी थी, और आपको जैसा बनाना हो आप वैसा बना सकते हैं। और ये वीडियो जो है ना, खाना वाना खाने के बाद मैं काफ़ी मतलब आधा घंटा तक बैठी रही, कुछ ऐसे ही वीडियो वगैरह जिनकी मुझे वीडियो अच्छी लगती है उनकी वीडियो देखी। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा आ गई हूँ ना, अभी टाइम जो है 3 बज रहा था तो मैं यहाँ पे आ गई थी। थोड़ा सा किचन आज मुझे साफ़ करना था तो इसलिए मैं आ गई थी किचन में। और मैं सूट पहनी थी, तो सूट में ना कंफर्टेबल आदमी नहीं हो पाता, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और फुल बाजू का सूट था काले कलर का तो और गर्म लग रहा था, तो मैंने सूट चेंज कर लिया। और उसके बाद ना क्या होता है, टी शर्ट लोअर में ना मतलब पहनने की आदत जो हो गई है ना, ऐसा नहीं है कि आदमी करता नहीं था, हम भी वैसे ही काम करते थे जैसे सूट पहन के ही रहते थे, लेकिन अभी क्या हो गया ना, अभी आदत हो गया तो इस मतलब टी शर्ट में और उसमें ज़्यादा आराम रहता है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे मुझे किचन साफ़ करना था तो मैंने डब्बे उब्बे हटा लिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना फिनाइल लिया और सर्फ़ लिया है। और उसके बाद पहले मैं गैस को साफ़ कर लूँगी जैसे आप नॉर्मल करते हैं। और एक ये कपड़ा ले लिया है मतलब पानी में डिप करके, बाल्टी में मैंने नीचे पानी रखा है तो उसमें ले लिया। और एक कपड़ा जो ले लिया है वो उसमें फिनाइल वाला पानी से मैं पोंछूंगी। ऐसा ना कि आजकल गर्मियों में ना कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा है, और ये खुला खुला घर है ना तो खिड़की से ना हमेशा कीड़े उड़े आते रहते हैं। तो हफ्ते 10 दिन पे ऐसे मैं कर देती हूँ ना सफाई, तो जो है मतलब कीड़े उड़े से उतना मतलब नहीं पाला पड़ता है जितना मतलब ऐसे छोड़ देने से होता है। तो मेरी मतलब ऐसे आदत हो गई कि मैं फिनाइल लगा के किचन में भी, जैसे फिनाइल आप नीचे लगाते हो कीड़े उड़े जैसे नहीं दिखते हैं, वैसे ही आप इस पर भी लगा दो, और सिंपल कपड़े से भी पानी से भिगो के पोंछ दो। तो मैं वही करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, और ये भी थोड़ा गंदा हो गया था, जो जाली डिब्बे उब्बे रखने के लिए होते हैं ना, स्टैंड जो लगा रखी थी, तो इसको भी पहले मैं कर लूँगी। और इसको वही जो बर्तन धोने वाला है वो होता है ना जूना, उसी से थोड़ा सा लिक्विड गिराई और उस पर रगड़ दी और साफ़ हो गया। और देखने में टाइल्स इतना साफ़ लग रहा है ना, और जब मैं सफाई करने गई तो पानी इतना गंदा गंदा हो गया था। देखिए मेरा ये जो डिब्बे रखती हूँ यहाँ पे, आपने कई बार देखा भी होगा, ये भी सिर्फ कितना साफ़ दिखता है, लेकिन जब साफ़ करने गई तो इतना गंदा पड़ा था ये।
तो यही होता है, जब आप हाथ लगाओगे ना तो काम तो हो ही जाता है और साथ के साथ सफाई भी हो जाती है, अच्छा रहता है। तो आज मैंने यही काम किया और मतलब संडे था तो ये लग रहा था कि चलो बच्चे भी घर पे हैं तो आराम से कुछ भी मतलब इन लोगों को कर देंगे, और नहीं तो फिर ले आओ ले जाओ ना, मतलब इन लोगों को ले आने ले जाने में थक जाती हूँ, मेरा फिर कुछ काम नहीं हो पाता ऐसे। और इसीलिए मैं सोची कि चलो संडे है तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है दिल्ली में, दिल्ली की गर्मी के बारे में तो आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है, जितनी सर्दी पड़ती है उतनी ही गर्मी यहाँ पड़ती है, तो क्या करें सब झेलना है। और हर जगह एसी और कूलर तो काम करेगा नहीं, अब देखिए मुझे कितना पसीना हो रहा है, लेकिन वही है अब जब काम में लग गए तो लग गए, करना ही है किसी भी हालत में। तो मेरी वही आदत है, मैं करूँगी नहीं और करूँगी तो फिर पूरा अच्छे से ही करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे ये सब साफ़ हो गए, अब मैं उस सर्फ वाले पानी में ना डिप करके रगड़ के उसके बाद सिंपल पानी से भी देखिए मैं एक तौलिया ली हूँ, इसे अच्छे से पोंछ रही हूँ। और अभी बर्तन धोने आएगी ना 5 बजे के करीब, वो 5 साढ़े 5 के बाद आती है बर्तन धोने, तो सिंक मेरा भरा हुआ था। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ नीचे वाला भी डोर ना उसी जो फिनाइल और सर्फ का है ना उससे साफ़ कर लूँगी। क्या होता है ना कॉकरोच वगैरह कभी कभी नीचे दिखते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम साफ़ रहते, कितना भी साफ़ करो ना 10 दिन छोड़ दो तो ऐसा हो जाता है। और नीचे सब डब्बे उब्बे रहते हैं तो मैं सबसे डब्बे उब्बे इधर उधर करके और जो 1-2 डब्बे बाहर भी निकाल रखी थी और साफ़ कर लूँगी। और बहुत ठूस ठूस के तो नीचे सामान नहीं है, सामान एक तरफ से पोंछती जाती हूँ दूसरी तरफ रखती जाती हूँ तो मेरा काम फटाफट हो जाता है। और मैं ये भी ना पोंछ देती हूँ, लेकिन इस समय घर चली गई थी ना, बनारस गई थी तो आने के बाद जो है बहुत लेट हो गया था, इसलिए मतलब मुझे आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। और देखिए मैं मतलब इधर मेरा ये भी हो गया, और नीचे ना वो जो पाइप की जगह होती है उसको भी मैं अच्छे से पाइप लगा के और अच्छे से मैं धो दी पूरा सामान। और ये जो डब्बे हैं, डब्बे देखिए मेरे साफ़ रहते हैं, बहुत गंदे नहीं रहते हैं, बस यहाँ पे क्या है ना थोड़ा सा जो ऊपर से लगा है ना उसको मैं कपड़े से साफ़ कर दूँगी, एक कपड़ा भिगो के और उससे मैं साफ़ कर दूंगी। डब्बे मेरे बहुत ऐसे नहीं रहते, जैसे 1-2 खाली होते रहते हैं ना तो मैं धो मतलब दे देती हूँ धो देती है, तो क्या होता है कि उससे डब्बे मेरे साफ़ रहते हैं, इकट्ठे करके नहीं धोती हूँ मैं। तो ये जो खाली हुआ है ना इसको धुलवा लूँगी, ये देखिए आप साफ भी दिख भी रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत गंदा। अब ऐसा नहीं कि मैं 1-2 महीने वेट करूँ कि हाँ गंदा हो तो मैं इकट्ठे साफ़ करूँ, मैं हाथों के हाथ लग देती रहती हूँ या खुद से भी अपना 1-2 खाली हुआ तो साफ़ कर दो और रख दो ना। तो इससे जैसे नमक का डब्बा भी मेरा खाली होने वाला है तो मैं उसको ना नमक खाली होने के बाद धो दूँगी, चीनी का चाय पत्ती का ऐसे मतलब धो के फिर डालती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि आपका काम हल्का रहता है, आप इकट्ठे करोगे ना तो फिर भारी हो जाता है। एक तो ऐसे ही इतने काम हम लोगों के पास रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपने कई बार देखा होगा वीडियो में ये सामान रखती हूँ मैं यहाँ पे, इसको भी मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा ना मतलब और कुछ नहीं होते हैं, जाले लग जाते हैं, मकड़ियाँ लग जाती हैं खुले घर में ना, यही थोड़ा सा एक नुकसान है कि आपको जाले बहुत दिखेंगे, आप कितनी भी सफाई करो हर कोने में हर जगह पर जाले दिखते हैं ना। तो ये मतलब यहाँ पे ना ऐसे लगता है जैसे गाँव में नहीं जाले वाले दिखते हैं वैसे हो जाता है यहाँ पे, तो यही है। तो लेकिन हाँ ठीक है, अपना काम मतलब करते रहो तो सफाई होती रहती है। तो आपने देखा भी है, मैंने कई वीडियो में दिखाया है कि मैं करती रहती हूँ ये सब चीज़ें, जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसको भी साफ़ कर दिया और उसके बाद मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए थे तो मैं थोड़ी देर आराम की, ऐसा नहीं कि मैं भी काम करती रहती हूँ मतलब मैं मेरे बॉडी वो नहीं होती है, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा बस वो करूँगी जो कपड़े हैं, मतलब आराम करने के बाद जो है मैं आ गई कपड़े फैलाने के लिए, और शाम हो गई थी 5 बजा था अभी, वो नहीं आई थी मेरी मेड, तो वो आएगी बर्तन वर्तन धोएगी, उसके बाद कुछ बच्चे बोलेंगे तो बनाना पड़ता है शाम के टाइम में। तो यहाँ पे देखिए मेरे कपड़े हो गए थे, और आज मैंने कपड़े शाम को इसलिए धोए ना कि कपड़े सुबह में नहीं थे ज़्यादा और ये हैं नहीं, तो मतलब मेरे ही कपड़े थे। और उसके बाद जब बच्चे नहाए धोए हैं ना 12 बजे के करीब 1 बजे, तो कपड़े हो गए और तब तक पानी नहीं था, तो मैंने कहा चलो शाम को जब पानी आएगा तभी मैं धो लूँगी। तो 4 बजे मोटर चलाई, उसके बाद जो है यहाँ पे अपना कपड़े धो ली, और उसके बाद मुझे पौधों में पानी भी डालना है थोड़ा सा, तो शाम को ना थोड़ा इधर धो दो ना तो बैठने उठने में बड़ा अच्छा लगता है, चाय वाय ले के आप बैठ सकते हो। तो मौसम भी देखिए ठीक है, अभी उतना गर्मी नहीं मतलब लग रहा है, बल्कि किचन में मुझे ज़्यादा लग रहा था, इधर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मुझे 1-2 गमलों का इधर उधर
प्लांट भी करना था, तो वो भी मैं कर लूँगी यहाँ पे बैठे बैठे। तो पहले मैं पानी डाल देती हूँ, उसके बाद देखती हूँ, क्योंकि मन थक जाता है ना, कितना आदमी काम करेगा। तो यहाँ पे ना शाम के टाइम में पौधों में पानी डालो तो पौधे भी खुश होते हैं, अपना मन भी लगा रहता है। तो मेरा शाम का मतलब कुछ ऐसे ही काम रहता है। और यहाँ पे देखिए मैं कप में भी लगाई हूँ, तो मेरे जो कप वप फूट जाते हैं ना, तो मैं उसमें कुछ कुछ प्लांट लगा देती हूँ। इतनी मतलब इतना शौक लगता है मुझे पौधों का। तो और पौधे इतने महंगे हैं कि आप कितना पौधा लेके आओगे खरीद खरीद के। तो वही है, ठीक है, जितना हो सकता है उतना करती हूँ मैं। और मैं भिंडी का देखिए पौधा लगाई हूँ, उधर भिंडी मेरी अच्छी खासी हो रही है। और यहाँ पे ना सभी सुबह भी पानी डाली थी, फिर भी देखिए कितना सूख गया है, और शाम को फिर डाल रही हूँ। धूप तेज़ हो रही है, सर्दियों में धूप होती ही नहीं, और गर्मियों में इतनी धूप होती है कि पूछिए मत। तो आज की वीडियो यहीं तक, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और बताएं कमेंट।